हेलो दोस्तों, एवरी एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी बताएंगे जो आज भी राजा के शासन का पालन करता है, जहां आज भी राजा के रूल्स को फॉलो किया जाता है। और रूल्स तोड़ने का मतलब होता है गांव की बर्बादी या फिर एक नई महामारी का जन्म। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मिस्टीरियस सफर। श्रापित होली। दुर्गापुर में रहने वाले लोग होली नहीं मनाते। उनके यहाँ होली मनाई गई तो उससे बहुत नुकसान और महामारी का जन्म हो जाता है। इस फेस्टिवल को इस गांव में एक श्राप माना जाता है। करीब 100 सालों से इस गांव में गांव वालों ने होली नहीं मनाई है। आइए जानते हैं क्या कारण है जो गांव वालों को डराता है होली मनाने से। दुर्गापुर को कई सालों तक राजा दुर्गा प्रसाद ने संभाला। वो यहाँ के बहुत अच्छे राजा भी थे और अपने शासन में प्रजा को अच्छे से संभालते भी थे। प्रजा भी राजा को भगवान का दर्जा देती थी। राजा का सबसे मनपसंद त्यौहार था होली, और वो होली को हमेशा हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया करते थे। हर होली पिछले से ज़्यादा रोचक हुआ करती थी दुर्गापुर की। पर एक साल राजा ने ठीक होली वाले दिन ही अपने सुपुत्र को खो दिया। पर राजा के हर्षोल्लास और होली से प्यार को देखते हुए होली को गाँव में मनाया गया, जिसके कारण उस साल कई लोगों की गांव में मृत्यु हो गई। वहीं कई बीमारियों ने उस गांव को पूरे साल घेरे रखा। कुछ साल तक राजा ने ये ठाना कि होली को ना मनाया जाए और अपने मन को भी संभाला। फिर कुछ साल बाद होली की तैयारियां की गई और होली मनाने का राजा ने ठान लिया। इन सब तैयारियों से कुछ दिन पहले ही राजा के फैसले के बाद राजा काफ़ी बीमार हो गया, और होली वाले दिन ही राजा ने अपनी आखिरी सांस ली और जाते जाते गांव वालों को हुक्म दिया कि इस गांव में होली कभी नहीं मनाई जाए। राजा की मृत्यु के बाद उस साल होली नहीं मनाई गई, और अगले साल राजा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए होली का आयोजन किया गया और वो गांव वालों की आखिरी होली बन गई। क्योंकि उस साल गांव वालों ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे उस साल गाँव में महामारी रही जिसके कारण कई लोगों की मौत हुई। उस साल गाँव में सूखा भी रहा। ये सब इत्तेफाक था या फिर राजा की आखिरी बातों को नज़रअंदाज करने की सज़ा? कई ज्ञानी पंडितों ने गांव को होली ना मनाने का सुझाव दिया और राजा के हुक्म को श्राप बता दिया। इस गांव में श्राप से मुक्ति पाने के लिए कई पूजा हुई, पर मरने वाले के आखिरी शब्द इतने शक्तिशाली हैं कि उन शब्दों ने इन गांव वालों की होली को श्रापित बना दिया। इस डर से आज भी गांव वाले होली नहीं मनाते। सादी के कुछ गांव भी इस श्राप को मानते हैं और नियमों का पालन करते हैं। कई कोशिशें इस गांव में की गई जिससे होली का उत्सव यहां हो सके, पर जब जब ऐसा किया गया तब तब यहां कुछ अनहोनी घटी है। इसलिए जब पूरे भारत देश में होली का उत्सव मनाया जाता है तब इस गांव में दूर दूर तक वीराना फैला होता है। सड़कें सुनसान होती है और मौत का मातम इस गाँव को घेरे रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि गांव में जब राजा के बेटे की मृत्यु हुई थी तब राजा ने होली ना मनाने के दुख की वजह से अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं किया था, जिसके कारण राजा के बेटे की आत्मा आज भी इस गांव में निवास करती है और होली गांव वालों को मनाने से रोकती है। इस गांव में जितनी भी मुसीबतें आती हैं उसका कारण उस आत्मा को ही माना जाता है। गाँव वालों की माने तो गांव में होली नहीं मनाई जा सकती, पर गांव के बाहर जाकर अगर गांव वाले चाहें तो होली को मना सकते हैं, और 9-10 सालों से इसी तरह गांव वाले होली को मनाते आ रहे हैं। इस गांव की कहानी जैसी ही कहानी है भानगढ़ की, जहां रातों रात गांव उजड़ गए। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों से एक सवाल, आप लोगों का क्या मानना है? जो भी तकलीफें मुसीबतें होली मनाने से यहाँ आती है वो राजा के श्राप के कारण आती है, या फिर ये सब यहाँ होना एक इत्तेफाक है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।